या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम देवी कालरात्रि नमः। माँ भगवती दुर्गा जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है। इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति तथा जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति हो उस समस्या का निवारण हो जाता है। माँ की पूजा करने से शनिदेव के बुरे प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे सारे साथी ढैया, शनि की दशा, अंतर दशा। माँ को काली, भद्रकाली, महाकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी तथा दुर्गा जैसे नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता की कथा, बीज मंत्र, मंत्र, माँ का प्रिय भोग, माँ का प्रिय रंग, माता जी का स्वरूप तथा माता का प्रिय पुष्प। यदि आप इस नवरात्रि माता का व्रत, उपवास, स्थापना इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तब भी श्रद्धा पूर्वक माता की कथा सुनने मात्र से ही आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। माँ का स्वरूप। माँ का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के श्वास से आग निकलती है। माता के बाल बड़े तथा बिखरे हुए हैं। माँ के गले की माला बिजली की तरह चमकती है। माता के चार हाथ हैं तथा तीन नेत्र हैं। एक हाथ में माँ ने खड़ग अर्थात तलवार ली हुई है, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ वर मुद्रा तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माता का ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रिय पुष्प रात रानी गुलाब तथा गुड़हल का पुष्प। प्रिय भोग गुड़ मिठाइयां फल। मां को गुड़ अत्यधिक प्रिय है। मां की आरती कपूर तथा लौंग से करें। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी गई है। इन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था तथा माँ का अवतरण इन्हीं राक्षसों के अंत हेतु हुआ था। तंत्र साधना के लिए माँ कालरात्रि की उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल देती हैं। अब सुनते हैं माँ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया था तथा सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास मदद मांगने गए। रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती है, वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से रक्त बीज का वध करने को कहा तथा अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। तब भगवान जी की आज्ञा से माता ने देवी दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया तथा शुंभ निशुंभ का अंत कर दिया। परंतु जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसका रक्त भूमि पर गिरते ही लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप धारण कर लिया तथा रक्त बीज का वध कर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक गण इस दिन का पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो दर्शकों, प्रेम से कहिए जय माता दी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए तथा हमारी वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करिए। जय माता दी।